गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंसारी राजमा, वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल एनर्जेटिक्स। टुडे वी विल कवर दीज टॉपिक्स: थर्मोडायनेमिक्स, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ लेट्स सी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइंड एज, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक हीट और एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स के बीच क्वांटिटी और रिलेशन बताता है। स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन लॉज सच एज जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड वी विल डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लिमिटेशन इज थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एट्सेट्रा ऑफ मैटर इन बल्क और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज एंड नॉट इन माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। थर्मोडायनेमिक्स किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी की क्वांटिटी बताता है, लाइक टेम्परेचर कितने डिग्री है, प्रेशर कितने एटमोसफियर है, वॉल्यूम कितने मिलन, लेकिन ये सब वो सिर्फ लार्ज और ग्रुप ऑफ एटम्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, इसे सिंगल एटम और आयन के बारे में नहीं बताता। सेकंड लिमिटेशन इज इट डील्स विद लार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स, आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स रेदर देन सिंगल एटम, आयन और मॉलिक्यूल। थर्ड लिमिटेशन इज इट डज नॉट इन्फॉर्म अबाउट रेट्स एट विच फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस ऑकर। इट डील्स ओनली विद इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। इट डज नॉट टेल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के रेट के बारे में इन्फॉर्म नहीं देता, ये सिर्फ मैटर की इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में बताता है। दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक कंप्लीट मैकेनिज्म के बारे में नहीं बताता। नाउ लेट्स सी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जीरोथ लॉ इज डिफाइंड एज इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, दे आर ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। जीरोथ लॉ में अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो तीसरा सिस्टम भी ऑटोमेटिक थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू हैव टू ग्लासेस ऑफ वाटर, वन ग्लास विल हैव हॉट वाटर एंड अदर विल कंटेन कोल्ड वाटर। नाउ इफ यू लीव देम इन द टेबल फॉर फ्यू आवर्स, दे विल अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द टेम्परेचर ऑफ द रूम। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रूम में दो ग्लास वाटर के हों, एक ग्लास में गर्म पानी और दूसरे में सर्द, कुछ घंटों के बाद अगर देखें तो दोनों ग्लास के पानी का टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, और ये जीरोथ लॉ की वजह से होता है क्योंकि तीनों सिस्टम के टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर चुके होते हैं, इसलिए तीनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द फर्स्ट लॉ इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है, बल्कि सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील की जा सकती है। सेकंड इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जो कम्प्लीटली पैक हो। फॉर एग्जाम्पल थर्मास, इस सिस्टम में सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती, इसलिए हम कह सकते हैं सिस्टम की एनर्जी कॉन्स्टेंट है। व्हेन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स एंड एग्जैक्टली अनदर अमाउंट ऑफ एनर्जी अपियर्स, अगर कुछ अमाउंट की एनर्जी गायब होती है तो उतने ही अमाउंट में दूसरी एनर्जी हमें सिस्टम के अंदर मिल जाती है। Not possible for any machine to produce work without consuming energy. कोई भी मशीन बिना एनर्जी के कोई काम नहीं कर सकती।
Now let's discuss the mathematical expression for first law of thermodynamics. Consider a quantity of heat Q added to a system. Heat will raise the internal energy of a system by delta E. Also, W is work done by the system as a result of absorption of heat. Hence, by first law of thermodynamics, delta E equal to Q minus W. Consider एक system को heat supply की जा रही है जिसे denote किया गया है capital Q से. Heat supply करने पर system की internal energy बढ़ रही है delta E के जरिए. System जैसे ही heat absorb करेगा work done होगा जिसे denote किया गया है W से. Hence by first law of thermodynamics delta E equal to Q minus W. If changes are very small, then dE equal to dQ minus dW. Small d, small changes को denote करता है. Now let's see the second law of thermodynamics. All spontaneous processes are irreversible, which can take place without any external agency. For example, downhill flow of water, a ball rolled downhill, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड. जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल है, मतलब पहले की हालत में वापस नहीं आ सकते. फॉर एग्जांपल, ढलान पर से बॉल का गिरना, ऊंचाई से पानी का गिरना एट्सेट्रा. सेकंड लॉ इज ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस टेंड टू प्रोसीड टू अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होने तक होते रहते हैं. थर्ड लॉ इज द कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल विदाउट लीविंग सम इफेक्ट्स एल्सवेयर. एतराफ में बिना कोई इफेक्ट छोड़े हीट वर्क में तब्दील नहीं होती. इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन फंक्शनिंग इन साइकल्स which can convert heat completely into work without producing changes elsewhere. Fifth is, heat can now passes itself from a colder to a hotter body without the use of an external agency. Heat कभी भी बिना force supply किए colder end से hotter end की तरफ pass नहीं होती. I hope you understand all the terms, explanations and laws. Thank you very much.